अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद इरफान और आप देख रहे हैं लाइफ वर्क्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली जितनी भी वीडियोस मैं बना चुका हूं, मुझे सबका बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। काफ़ी लोग व्यू कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचाऊँ, ताकि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आपके काम में आ सकें। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक जो है बैटरी से रिलेटेड है। कि पहले तो मैं बताऊंगा बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग कैसे है और फिर हम इसे चेक कैसे करेंगे। आज इस टॉपिक के बारे में आपको माशाल्लाह से इतनी नॉलेज दे दूंगा कि आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये आप बैटरी देख रहे हैं, ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं इसके, के ये 6 है, मीन्स 2, 4, 6 सिक्स सेल पे ये कंप्लीट बनी हुई है। अब इसका स्ट्रक्चर, उसका साइज वो हमेशा एम्पेयर्स पे होता है। दोस्तों, इधर ये जो 250 लिखा हुआ है, ये मॉडल लिखा हुआ, तो नीचे आप देखेंगे 180 एम्पेयर आवर एट द रेट 20 आवर्स, ठीक है, और 27 प्लेट्स पर सेल है। इस पर बाद में बात करते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बैटरी है। बैटरी में एक प्लस टर्मिनल है, एक माइनस टर्मिनल है। प्लस और माइनस, प्लस जो टर्मिनल है वो लीड डाइऑक्साइड का बना हुआ होता है, और माइनस टर्मिनल जो है वो सिर्फ ओनली लीड का बना हुआ होता है। और इसके अंदर जो सेल्स हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमेशा सीरीज में जुड़े हुए हैं आपस में। एक सेल जनरली 2 वोल्ट्स का होता है, 2 वोल्ट का होता है, और ये बन के तकरीबन 12 वोल्ट की हमारी बैटरी होती है। और जैसे ये आपको मैंने सेल का बताया, तो ये डिप होते हैं, एक दूसरे से अलग भी होते हैं और डिप होते हैं। S2SO4, जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड, गंधर्व का तेजाब, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड हम कहते हैं, उसमें ये डिप होते हैं। दोस्तों, मैंने ये बात की थी कि ये इधर आप देख रहे हो, अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, ये 27 प्लेट्स की बैटरी हमेशा तकरीबन 6 सेल की होती है, और प्लेट्स हमेशा जो उसकी साइज मींस कितने एम्पेयर की हैं उसके हिसाब से होती हैं। प्लेट्स हमेशा होती हैं ऑड नंबर्स, माना 21 अदद, जिसे हम कहते हैं 7, 9, 11, 17, 21, 27, इस डिजिट्स में प्लेट्स होती हैं। तो प्लेट्स उसकी साइज़ के हिसाब से होती हैं, कि जितने ज़्यादा एम्पेयर की बैटरी होती है उस हिसाब से उसकी मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन होता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो लीड एसिड बैटरी, या जिसे हम तेजाब वाली बैटरी कहते हैं, ये जो कारों के लिए जो डिज़ाइन है, जो कार्स के लिए, जैसे ये ट्रैक्टर्स के लिए है, ये व्हीकल्स के लिए जो डिज़ाइन होती हैं, इसमें इसकी प्लेट्स पतली होती हैं, थिन प्लेट कहा जाता है, जैसे थिन प्लेट्स होती हैं, और प्लेट्स ज़्यादा होती हैं, और जो इन्वर्टर या यूपीएस, या जिसे हम कह लें सोलर के लिए जो इस्तेमाल होती हैं, जिसे आपको मैं मिसाल दूँ ट्यूबलर बैटरी, तो उसका उसकी प्लेट मोटी होगी बनिस्बत इसकी, और कम होंगी पर मोटी होंगी। जैसे एक ट्यूबलर बैटरी 7 प्लेट्स पे है मोवनी, तो वो मोटी होंगी, थिक होंगी, तो उसका डिस्चार्जिंग रेशो भी ज़्यादा होगा, डीप साइकिल होती हैं वो। खैर, ये मौजू फिर अलहदा हो जाएगा, तो चलते हैं कि मुकम्मल 12 वोल्ट पे होती है बैटरी। अब इसकी चेकिंग की बात करते हैं, तो डिजिटल मीटर की मदद से अगर इसे हम चेक करते हैं, तो डिजिटल मीटर, इधर मैं माइनस की प्रोब लगाऊंगा, इधर प्लस की प्रोब लगाऊंगा, तो वो मुझे कंप्लीट एनोड से कैथोड तक की मुकम्मल वोल्टेज बताएगा, कि इस बैटरी के मुकम्मल वोल्टेज
11.0 है या 13.0 है या 12.5 है, मीन्स मुकम्मल वोल्टेज बताएगा। तो अगर हम इसमें तो हमें पर्टिकुलर सेल्स की लाइफ का नहीं पता चलेगा, तो सेल्स की लाइफ के लिए हमेशा लोग जो है इस हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करता है, जिसे ग्रेविटी मीटर या कह लें हाइड्रोमीटर, काफ़ी लोग इसको बैटरी टेस्टर भी कहते हैं। तो ये असल में हाइड्रोमीटर है जो बैटरी की ग्रेविटी बताता है, सेल की कंडीशन बताता है, सेल की लाइफ बताता है कि किस कंडीशन में हमारी पर्टिकुलर सेल किस कंडीशन में है। दोस्तों, बैटरी जो है 12.7, 13, 14 वोल्ट तक चार्ज होती है। अब अगर आप ट्यूबलर बैटरी लेने जाएंगे 12.6 वो ऑलरेडी चार्ज होती हैं, 12.6 पे वो फुली चार्ज होती हैं। और अगर हम सोलर चार्ज कंट्रोलर्स की बात कर लें तो लीड एसिड्स बैटरियां जो हैं हमारी वो 13 पे भी हैं, 13.8, 14 पॉइंट तक फुल चार्ज होती हैं, 12.7 तक। वो ऐसा होता है कि जब हमारी सूरज की एनर्जी आ रही होती है तो हमारी प्लेट्स उस एनर्जी को करंट में कन्वर्ट करके हमारी बैटरी को चार्ज करता है, तो सोलर चार्ज कंट्रोलर उसे 14 वोल्ट तक चार्ज करता है। जैसे आपने चार्ज सेटिंग रखी हो 14.5 या 14.2, 14.2 या 14.1 तक, तो वो उस हिसाब से चार्ज करता है। जैसे ही आप अनप्लग करेंगे सोलर पैनल के कनेक्शन को, तो बैटरी आपकी रिवर्स में आके 12.6 पे आपकी आके बैटरी रुक जाएगी। ये एक्चुअल आपकी बैटरी की चार्जिंग का रेशो बता रही होगी। तो जब हम देखते हैं लोग बोलते हैं यार हमारी बैटरी 13.2 तक पहुंचती है, ये वो सोलर चार्ज कंट्रोलर उसे उस 13 वोल्ट से और 14 वोल्ट से चार्ज कर रहा होता। जो बैटरी चार्जिंग फुली चार्ज जो हमें शो करेगी वो ऐसे शो करेगी 12.7, 13 तक तकरीबन, यह हमारा फुल चार्जिंग रेशो होगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में कहा था, जो मैं सोलर चार्ज कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग कर रहा था, उसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो बैटरियां हैं ये हमेशा 80% तक आप यूज़ करें। हमारे पास ये बैटरियां 3 से 4 साल 5 साल तक भी निकाल लेती हैं। इट मींस कि कोई जादू नहीं है, इसको प्रॉपर चीज़ का इस्तेमाल करना हमारे लिए, अगर हम चीज़ों के साथ सिंसेयर हैं और उसे लापरवाही नहीं है, तो वो एक अपनी पूरी लाइफ गुजारती है। तो मैं ये बता दूं, एक तो ये डिस्टिल वाटर डालें आप इसमें, ठीक है, बरसात का पानी, मीठा पानी, खारा पानी, ये चीज़ें ना डालें इसमें। आप डिस्टिल वाटर डालें, वो इसकी पीएच के हिसाब से बना हुआ है। आपको अगर मैं मिसाल दूं कि जैसे अगर आपके घर में फिल्टर लगा हुआ है, आप पानी को फिल्टर करें, तो महीने में अगर आप जाके उसे चेक करेंगे, तो फिल्टर को जब साफ़ करेंगे तो उसमें से इम्प्योरिटीज़ दिखेंगी, डस्ट, कुछ स्टोन के ज़र्रे आपको नज़र भी नहीं आ रहे होंगे, माइक्रो टाइप्स के होंगे। तो इसकी जो प्लेट्स हैं वो एक तो आप डिस्चार्ज करेंगे इसको, दूसरा पानी लोकल होगा तो इसकी प्लेट गलना शुरू हो जाएंगी, गलना शुरू हो जाएंगी, तो फिर आप प्लेट को कितना भी उठाने की ज़रूरत करेंगे तो आपकी बैटरी की वो सेल नहीं उठ पाएगा, उसकी चार्जिंग की जो उस प्लेट पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो जब प्लेट पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं हो पाएगा तो हमें बैटरी बैकअप सही तरीके से नहीं देगी। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि बैटरी हमेशा 10.75 तक इसे इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा डीप डिस्चार्ज नहीं करें। कंट्रोलर से आउटपुट लें और कंट्रोलर में सेटिंग रखें 10.75 की, उसके बाद वो आपके आउटपुट को डिस्कनेक्ट कर दें। देखें, ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, ये 80% तक है। जब हम डीप डिस्चार्ज करते हैं तो हमारा पर्टिकुलर सेल मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाता। ऐसा अगर हमने तकरीबन काफ़ी दफ़ा किया तो हमारा सेल डेड हो जाएगा।
और नॉर्मल चार्जर से फिर वो अगर सेल डेड नहीं भी हुआ, डिस्चार्ज हुआ सिर्फ ओनली, तो अगर मैं दो प्लेटों से इस बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ तो मुझे दो प्लेटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे एक पर्टिकुलर, अगर मैं 10 एम्पेयर से इसको चार्ज करता हूँ तो मुझे 20 एम्पेयर से चार्ज करना पड़ेगा इसको, और मुकम्मल डिस्कनेक्ट करके इस पर कोई लोड नहीं देके इसको 24 आवर्स चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, और फिर जाके विदाउट लोड इसकी मुकम्मल ग्रेविटी पर सेल चेक करनी पड़ेगी। देखें, ये बहुत एक रिस्की अमल होता है। जब बैटरी की चार्जिंग, उसके सेल की पर्टिकुलर चार्जिंग नहीं उठी होती है, ग्रेविटी गिरी हुई होती है, बैटरी का तेज़ाब चेंज करना ये उस वक्त होता है जब समझो कि आखिरी कंडीशन हो, बुढ़ापे की कंडीशन जिसे कहा जाता है ना, कि वसीयत की कंडीशन में हो, कि एक वसीयत हो रही हो इसकी कि ये आखिरी कंडीशन में हो, और ये अगर उठ गई, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं हम किसी पेशेंट को, हार्ट का कोई पेशेंट है उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, वो एक लास्ट कोशिश होती है डॉक्टर्स की कि वो उसे शायद उसकी ब्रीथ दोबारा से सर्कुलेट करना शुरू हो जाए, तो ब्लड सर्कुलेशन उसकी तेज़ होकर एकदम शुरू हो जाए, ये इसकी फिर लास्ट कंडीशन होती है। वो रिस्की अमल होता है, उसमें आपका सेल शार्ट होने का भी खदशा होता है। या जो दुकानदार हैं वो पहले क्या करते हैं, जब आपकी बैटरी मुकम्मल डिस्चार्ज हो जाती है, मीन्स ग्रेविटी चेक कर रहे हैं, मैं ग्रेविटी चेक करके दिखाऊंगा आपको, वो ग्रेविटी चेक करता है, तो वो क्या करता है कि वो पहले ज़्यादा, अगर एक बैटरी 100 एम्पेयर की, उसे 10 एम्पेयर से चार्ज किया जाए तो वो उसे 20 एम्पेयर देता है, ठीक है, 25 एम्पेयर, इस तरीके से वो उसे हाई एम्पेयर दे के उसको उठाने की कोशिश करता है। जब नहीं उठता तो वो क्या करता है कि वो इस, अगर पर्टिकुलर सेल का की ग्रेविटी गिरी हुई होगी तो वो क्या करेंगे, दूसरों के ढक्कन बंद कर देंगे और एक का ढक्कन करके उसको उलट करेंगे, दूसरे भी इफेक्टिव हो सकता है। मीन्स अगर 1 घंटा बैकअप दे रही है तो वो शायद इसे 1 घंटे के बाद भी अगर नहीं होती रिकवर तो वो इसे गिरा के इसमें मिक्सचर डालता है, दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर डालेंगे, मुकम्मल प्योर सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालेंगे, अगर वो जैसे ही डालेंगे तो ये सेल शार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत रिस्की अमल होता है और आखिरी स्टेज में होता है। तो अगर ये स्टेज आप नहीं चाहते कि हमारी बैटरी का ये स्टेज ना आए, तो आपने बैटरी को 10.7 तक ही डिस्चार्ज करना है। ये कुछ एहतियाती तदाबीरें थी जो मैंने कहा कि मैं आपसे डिस्कस करूं। सब सेलों में देखें, जब हम इससे ग्रेविटी चेक करेंगे तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो रेड पॉइंट है वो आपकी 1.7 से स्टार्ट होगी और 1.100 तक जाएगी, ठीक है, 1.100 आपको नज़र आ रहा हो शायद इधर। और अगर आपकी बैटरी 12 तक है तो हेल्दी कंडीशन में है, चार्जिंग की कंडीशन में है, और अगर आपकी बैटरी आ जाती है येलो पे तो इधर आप देख लें 1.3, ये मीन्स आपकी बैटरी चार्ज हो गई है, ठीक है। ग्रीन में है तब भी अंडर कंसीडर है, येलो में है तो इट मीन्स हेल्दी है, रेड में है समझो खतरे की निशानी है, खतरे की निशानी है मीन्स या तो डिस्चार्ज हो गई है, डीप डिस्चार्ज हुई है, या सेल आपका गया, ठीक है, ये चीजें हैं। अब चलिए ग्रेविटी, अब देखें दोस्तों, ग्रेविटी चेक करने का असल तरीका ये है कि आप बैटरी को पहले मुकम्मल चार्ज करें, ठीक है, आप कोई लोड ना दें, फिर आप इसकी पर्टिकुलर सेल्स की ग्रेविटी चेक करें। ग्रेविटी हम तब चेक करते हैं कि जब हमें पता चलता है कि यार हमें आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा और कैसा हो रहा है, और जो लोग खुद डायरेक्ट तारे लगा के डीप डिस्चार्ज करते हैं, डायरेक्ट लोड चलाते हैं, वो ऐसी कहानियाँ बहुत ज़्यादा भुगतते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, वो तकरीबन ही अपनी बेटियाँ कंधे पर उठा के और दुकानदारों की तरफ ही मौजूद होंगे, चाय पीते नज़र आते होंगे आपको। तो ये आपको ऐसी नॉलेज दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह
इस नॉलेज के बाद आप समझ चुके होंगे कि बैटरी को हमें एक हद तक इस्तेमाल करना चाहिए, एक उसकी जितनी कैपेसिटी है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कंपनीज इस तरीके की अवेयरनेस बहुत कम देती हैं, वो हर बैटरी के साथ मुकम्मल उसकी फ्लोटिंग चार्जिंग और ओवरचार्ज और डीप डिस्चार्ज का भी डिस्क्राइब करें, ताकि लोग अपनी आपकी मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की प्रोडक्ट हैं, AGS है, एक्साइड है, ओसाका है, फिनेक्स है, हाक है, बहुत अच्छा ब्रांड है, और इस तरीके से वो एक डेटा शीट भी इसके साथ दें टेस्टिंग के बाद, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, इसके साथ जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से, जैसे मैंने यहाँ लाइन लगाई हुई है, ऐसे कोई अच्छे तरीके से कोई टूल्स दें जो उसे वाटर लेवल लोगों को आराम से दिखाई दे। मीन्स दोनों ऑप्शन को, चाहे अगर गाड़ी में ये लग रही है तो ये कैप्स लग जाए, और इसके साथ एक्स्ट्रा भले थोड़ी प्राइस अगर थोड़ी इंक्रीज होती है तो कस्टमर को आसानी हो जाएगी पानी यानी लगाने। अब इसकी ग्रेविटी चेक करते हैं, ग्रेविटी चेक करते हैं, तो ग्रेविटी चेक करने के लिए मैं इसके कैप्स, इधर आप ख्याल रखिएगा अपने कपड़ों का कि आपके कपड़े इसके साथ ना हो सके, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके लोड को मैं डिस्कनेक्ट भी कर दूँ। तकरीबन 13.5 तक मेरी बैटरी पहुँच चुकी है। ये बैटरी देखें, अगर मैं आपको आखिर में इसकी डेट दिखाऊंगा, यहाँ इरफान शाह के नाम से परचेज डेट की हुई है, और बैटरी ख़रीदते वक्त हमेशा इसके अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसके डालने से पहले इसके अंदर से सेल आप चेक कर लें कि कोई सेल फटे हुए तो नहीं है, खुले हुए तो नहीं है ज़्यादा, तो वो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग अंदर से चेकआउट कर सकते हैं। दूसरा, सबसे एनवी पॉइंट, इसके टर्मिनल लाजमी चेक किया करें, काफ़ी गर्म करके दोबारा लगा देते हैं इसको, तो इधर की प्लास्टिक का गलापन जो है वो आपको दिखाई देगा कि यार बहुत डीप होकर आपको देखना पड़ेगा, और बैटरी की लीकेज चेक करनी पड़ती है तेज़ाब के बाद, और तेज़ाब किस लेवल का डालना है, खैर वो तो अब इतनी गहराई में कौन जाएगा कि जैसे हम मोबाइल की देखते हैं फर्स्ट कापी है, सेकेंड कापी है, थर्ड कापी है, ऐसे ही तेज़ाब की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां केमिकल्स की अलग हैं जो बताती हैं कि ये अच्छा टाइप का केमिकल है, अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का अगर सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो उसकी एक अपनी एक लाइफ भी होगी, तो काफ़ी चीज़ें काउंट होती हैं बैटरी की लाइफ में, आपका यूजेज बहुत ज़्यादा काउंट होता, बैटरी का पानी मेंटेन रखना और बैटरी का वो चार्ज और डिस्चार्ज उसके पर्टिकुलर इम्पेयर से ही किया जाए तो बैटरी अपनी लाइफ मुकम्मल गुजार के जाती है। तो चलिए दोस्तों, ग्रेविटी चेक करवाता हूँ। हमेशा आप प्लस से स्टार्ट करें, ये प्लस की पॉइंट है, प्लस से स्टार्ट करें और उसको दबाएं और इसे अपनी तरफ छोड़ दें। दोबारा से आपको दिखाता हूँ, देखें दोस्तों, ये ग्रीन पे है, इट मीन्स अभी चार्जिंग चल रही है। मैं इसे लोड भी इसका बंद कर देता हूँ। अब मैं इसे चेक करता हूँ, ये ग्रीन पे है, इट मीन्स अभी चार्जिंग होगी, और ये हमें शो कर रहा है तकरीबन 12 तक, और ये इसकी ग्रेविटी ये भी सेम बता रहा है। देखें, अगर आपकी बैटरी सही नहीं है तो वो ग्रेविटी हर सेल की मुख्तलिफ बताएगा, इट मीन्स वो आखिरी कंडीशन में आ चुकी है, या उसे एक सब सेलों की सेम ग्रेविटी बता रहा है वो। जैसा कि पहले मैंने बताया, अगर रेड पे है तो खतरे की निशानी है। ये बहुत आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ मैं आपको, अगर मैं आपको डीपली स्पेसिफिकेशन 1.2 1.200 1.300 इस तरीके से समझाऊँगा आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये सब की ग्रेविटी इसने सेम शो ऑफ की है 12th पे,
और ये अभी चार्ज होगी और ये फिर इंशाल्लाह इस पॉइंट पे आ जाएगी 13.0 और 12.0 के बीच में, ग्रीन और येलो के बीच तक आ जाएगी। तकरीबन येलो और ग्रीन की स्टार्टिंग जहाँ पॉइंट्स हैं यहाँ तक आ जाएगी, ये फुली चार्ज हो जाएगी। और अगर मुझे टाइम मिला तो इंशाल्लाह मैं एक ख़राब बैटरी जो थोड़ा टाइम निकल चुका है जिसका, और ये मैंने ली थी 2018 के आखिरी महीने दिसंबर की 11 तारीख को ली थी, और आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब कौन सा ईयर चल रहा है। और मुझे बहुत ही अच्छी मैंने मेंटेन रखता हूँ मैं अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा, और अच्छे तरीके से उसको इस्तेमाल करता हूँ। तो आपसे गुजारिश है आप भी ऐसी करें दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आज के लिए ही इतना ही, कि उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह आइंदा एक अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मैं हाजिर आऊँगा। तब के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।